अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम आ चुके हैं द डेरा ऑफ निज़ाम के पुराने डेरे पे बोल सकते हो, पहले डेरे पे बोल सकते हो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे आप निज़ाम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, माशाल्लाह हमेशा ही की तरह। अल्लाह बस आपको नजर बद से बचाए। आमीन आमीन। अल्लाह आपको इतना हेल्दी और इतना स्मार्ट रखे। आमीन। निज़ाम भाई, एक से एक मेंढे, जैसे आप स्मार्ट है आपके मेंढे भी सारे स्मार्ट होते हैं। जी भाई, इसकी क्या है मतलब, मेंढे तो बहुत जगह देखता हूँ, इसकी शाइनिंग कैसे करते हो? कुछ चीजें राज होती हैं, उसको राज रहने दो। कुछ ये वीडियो का टाइटल मिल गया, कुछ चीजें राज होती है, राज ही रहने दो। निजाम का डेरा। जी निजाम भाई के काफी दोस्त भी आए हैं, सबसे मुलाकात होगी, एक से एक मेंढे दिखाए जाएंगे, इनके ब्रीडिंग सेटअप के कुछ बच्चे भी दिखाने वाले हैं। जी भाई, चलिए भी है, देना है वो। निजाम भाई कौन से मेंढे से शुरू लोगे आज? आसिम भाई किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, सब अनमोल रतन। मेरे फेवरेट से करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। वाह, ये इंडोनेशियन से करेंगे भाई। और निजाम भाई का जो तरीका है मेंढे दिखाने का, निजाम भाई इसके सिक्के ऐसे कैसे आ गए यार एकदम? ये सींग निकाले हुए आसिम भाई, इसके सींग जो है ना इसके, ये निकाले हुए दो कलर में सींग है, चश्मा है और कुछ लाइट कलर है। निजाम भाई मानना पड़ेगा, चश्मे वाला बच्चा, कुदरत अल्लाह की। हाँ अल्लाह की कुदरत है आसिम भाई। और कुछ कॉल तो मेरे को ऐसी जबान में आते हैं कि वो लोग समझते हैं कि मतलब इंडोनेशियन। क्या बात कर रहे हैं, मतलब मैं समझ ही नहीं पाता हूँ एक्चुअल में। दूसरे को मेरे को समझाना पड़ता है कि भाई ये कौन सी जबान में बात कर रहा है, इसको कुछ रिप्लाई। तो आपको बाहर देशों से बाहर से भी कॉल आते हैं, इसको इंडोनेशियन समझते, इंडोनेशियन समझते है या फिर मतलब उनके अलग ऐसा कुछ लगता है। कुछ लोग बोलते हैं खाली सीन चाहिए। पहली बार हो रहा है, दुनिया इंडोनेशिया भाग रही है, इंडोनेशिया भिवंडी आ रहा है। नहीं आसिम भाई, अल्लाह का शुक्र है, मतलब इंडिया के बाहर से भी कई जगह से ऐसे भी कॉल आते हैं ना, कि मतलब ये चीज अपने इंडिया में ही है और कहीं नहीं है सीम वाली। क्या डिटेल पे भाई? ये आसिम भाई 6 महीने का बच्चा है, रामपुरी में आएगा। क्या बनेगा ये? बहुत अच्छा बनेगा, खूबसूरती में जाते हैं, वेट गेन 70-75-80 मारते हैं, इसके ऊपर मुश्किल होता है, 95 तक भी गए थे, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इनमें वही चर्बी का हिसाब रहता है। 6 महीने में इसकी साइज देखो, साइज अच्छी है, सींग का बहुत राजा है और कलर बहुत अच्छा है इसका। चलिए सेकंड मेंढे पे आ जाओ, ये गिलहरा आपको आ जाएगा। गिलहरा, ये हमारा गिलहरा है दोस्तों, मेरा फेवरेट गिलहरा कलर है। ये भी रामपुरी में आएगा? रामपुरी में आएगा सिंह भाई। वाह पैटर्न देखो इसके ऊपर, इसके भी सिक्के देखो आप, सींग इसके भी निकाले हुए, सॉरी इसके नहीं निकले हुए लेकिन डबल कलर में है, क्या एकदम तलवार के सिक्के। हाँ स्वॉर्ड सिंह बहुत अच्छा निकालेगा, ये इनकी सिंह बस इधर। गुलाबी नाक, इसका चेहरा अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया चीज है। कितने महीने का होगा ये भी आसिम भाई? 6 महीने का। सब पालने वाले बच्चे लाए हो आप? सब पालने वाले हटा में। अगेन एक और नायाब कलर कबरा, ये विलायती में आएगा आसिम भाई, बढ़िया कलर, विलायती राजा है दोस्तों, नाक उठी हुई अभी से, छोटे ये भी होगा 6-8 महीने का, 7 महीने का बच्चा। देखो 7 महीने में नाक ऐसी, आगे क्या होगा, मिक्की माउस पैटर्न के अंदर शानदार क्वालिटी, मिक्की माउस बोल सकते हो आप, है ना? बराबर है। हल्का तिलक धारी है मेरी जबान में, निजाम भाई नहीं बोलेंगे। हाँ, मुझे पता है मेरे लिए वो हल्का सिंदूर धारी है, तिलक धारी नहीं है। अच्छा वो सिंदूर का वीडियो भेजा था, देखे थे कि नहीं तुमने? हाँ देखा था, तुम्हारी सब वीडियो देखा था। आसाम के वीडियो एंजॉय कर रहे हो? तो मैं बोला था यार मेरे को भी लेके चलना, मजा आ जाती उधर में। आपको बहुत याद किया वासिफ भाई ने। तीन हो गए, तीन हो गए, अब दो और दिखाएंगे। एक ये रामपुरी में, इनको खोल के निजाम भाई उधर लाऊं, खोल के लाने बोलो, जब तक मैं तीनों दिखाता हूँ। 7 महीना 6 महीना 6 महीना वो खोल के ला बेटा, छोटा वाला। चौथा बच्चा मुंह धुला बोल सकते हैं? यस। सिखा दिए आपने गुरुजी। सही पकड़े हो आपने, ये मुंह धुले में ही सिक्कों का मोटापन, धारी वाला हुआ। सिंह इसके भी निकाले, ये भी रामपुर है, रामपुरी में। ये ज्यादातर बच्चे भी रामपुरी आए, आप आसाम में थे, विलायती के कुछ बच्चे आए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सेल हो गए। इनके पास आते हैं बिक जाते हैं, वीडियो बनाने का मकसद से मोहब्बत है इनसे माशाल्लाह, जबरदस्त। कितने महीने का एक बार बोल दो? ये 6 महीने का आसिम भाई। चलेगा, छोड़ दो अभी। खजूरी कान, ये देखिए आप, कबरा बोल सकते हैं। यस कबरा, हमारे बकरों की जबान में इसको अबलग भी मानोगे आप। हल्का तिलक धारी, सिंदूर धारी, मिक्की माउस पैटर्न के अंदर, ये होगा 3.5 महीने का।
ये है 5 महीने का, पांच महीने का बच्चा है। ये शॉर्ट हाइट में आसिम भाई इतना नहीं जाएगा, मतलब जैसे रहता ना नॉर्मल मेंढा, शॉर्ट हाइट का मतलब नॉर्मल, एकदम नटिया भी नहीं, गोल गोल हो जाएगा, गोल गोल हो जाएगा ये। वाह, तो 5 मेंढे दिखा दिए मैंने, 5 मेंढे, 2 बकरे 3 बकरे आपको दिखाता हूँ मेरे घर के ही। यही दिखाएंगे कि अंदर चलते हैं? अंदर चलोगे? अंदर का नजारा अलग ही रहता है। चलो ना अंदर दिखाता हूँ, और आपके कुछ दोस्त भी आए हैं, सबसे मुलाकात भी करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आइए दोस्तों निजाम भाई के डेरे पे। निजाम भाई बाहर तक पूरा फुल हो चुका है गमले में। आइए, थोड़ा सा छोटे बच्चे हैं ना घर के, तो ये दिन में बाहर रहते। इसमें बेचने का है कुछ? इसमें कुछ बेचने का नहीं है, बेचने के लायक नहीं है। 2 बच्चे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा बड़े, और बाकी कुछ और जानवर है। तो अभी अंदर चलेंगे? अंदर चलते हैं। हमारा पूरा ग्रुप बैठा है माशाल्लाह। जी भाई, शानू भाई हमारे हजरत है माशाल्लाह, भी दुआ करेंगे चाय पी के भी हाथ खा ले। और मजे की बात ये कि आज जुमेरात भी है। हम लोग लालू सेठ का वीडियो तो आज नहीं बना रहे है ना, लालू सेठ थोड़ी सी तबीयत खराब है लालू सेठ। नहीं नहीं बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। लेकिन मैं लालू सेठ के बारे में, शानू भाई, शाबल भाई, आप लोग भी है, आसाम में इनके कॉन्टेक्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैं घूम पाया। वासिफ भाई बहुत आप सबको प्यार बोले, लेकिन इनका तो बिल्कुल इन्होंने दुम्बा दिया होगा मुझे ना। मैं बहुत बातें शेयर करना चाहता हूँ। एक और वो भाई ने पहली बार दुम्बा मंगाया हुआ, बकरों का शौक नहीं है। रीज़न इज वहाँ पर बड़ा जानवर अलाउड है। बॉम्बे में भी जब तक था तो बकरों का शौक कम था, सेम चीज़ है, तो वहाँ सिर्फ बैंटम बकरे। दुम्बे, गुजरी 42 हाइट के, पतीरा, ये सब कुछ भी नहीं मालूम लोगों को। तो बैंटम बकरों को भी कभी चीता ले जाता है, कभी शेर ले जाता है, बिकॉज वाइल्ड लाइफ बहुत है उधर। जब इन्होंने दुम्बा भेजा यहाँ से बनवा के, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बनाया उसको, जब वो गया उधर, आजू बाजू के गांव वालों को पता नहीं कैसे खबर लग गई, शानू भाई पूरे के पूरे गांव गांव वाले देखने हैं। क्या ये क्या चीज़ है? हाँ, इन्होंने कभी ये बात बताया नहीं, अपने मुँह से तारीफ नहीं की। मैं बताता हूँ, वसीफ भाई ने बताया, कम से कम 50 लोग ने इनका नंबर मांगे वहाँ। मेरा बोलने का मतलब ऐसा है, हम बकरे वाले बम्बई के सब लोग अपन एक ही, एक एक नस्ल वहाँ छोड़ते हैं बकरा ईद में, लोगों को मालूम नहीं है ना। और शायद सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं है, तो लोग देखेंगे तो हमारा बम्बई का ही बिजनेस बनने वाला है नॉर्थ ईस्ट में। एक आदत है कि कोई भी मेहमान आता है ना, तो शुरू से लेके आखिर तक। आपकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बिजनेस मॉडल बन सकता है अपने लिए। हजरत यहाँ से अपन सब लोग एक दो मेंढे दे दे, 2 पतीरा दे दें, वहाँ जाके बेच देंगे हम लोग बकरा इतने करीब करीब। लेकिन आप लोग के कॉन्टैक्ट्स कितने बढ़ जाएंगे वो देखो। आपका कुछ काम नहीं होगा, आपको वहाँ से बैंटम लाने पड़ेंगे। और एक अच्छा है, मैंने उनको एक बिजनेस आइडिया दिया हूँ। मेरे भाई थोड़े नाराज हो जाए, आप लोग से बातें कंटिन्यू होंगी एंड में। जी आ जाइए, चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है, क्या बात आसिम भाई, क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आसिम भाई, ये आपका कौन सा अनमोल रतन है? पकड़, ये बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूँ, बैंटम में है, सॉरी बरबरा है। क्या कलर है, कलर बहुत स्टार, और एकदम 15 दिन में एकदम, मतलब अटैचमेंट बोलते हैं ना, माशाल्लाह वैसा हो गया। कलर का बहुत राजा है, बरबरा है ये आसिम भाई, तकरीबन 7 महीने का बच्चा है। देना है मेरे को? देना है जिसको भी चाहिए, कांटेक्ट करो, ऐसे बरबरे कलर में कहीं नहीं मिलेगा जी। इनके घर की ब्रीड देखो, ऐसा छुपाता है ये आदमी। नहीं नहीं, ये अभी पैर में आएंगे, अल्लाह तौबा, पैर में आएंगे ये आदमी, ऐसा छुपाता है, इसको बहुत डर लगता है नजर से। ये सही मारा, ये देखो जो देना है वही दिखाता है ये आदमी, वो इनको फट करके अंदर देता है। आहा, बहुत मोहब्बत है घर में, जब पालने जैसी चीज है, और अंडू होने के बाद भी बास वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह एकदम अनमोल रतन ऑफ द डेरा ऑफ निजाम।
चले बहुत अच्छी चीज है ये। फोन पे बताएंगे इसकी कीमत में। बकरेला दोनों बकरेला छोड़ दे उसको, चलेगा। बहुत सारे मेंढे छुपा छुपा के पालते हैं बकरेला और बाद में निकालता है। ये होम ब्रीड का ही बकरा है यासिम भाई? हाँ होम ब्रीड का है, ये वही है जो बड़े हो गए। निजाम भाई की होम ब्रीड का बकरा है, आप लोग ने जरूर देखा होगा, हमने वीडियो में डाल चुके हैं बचपन में इसको। ये पतीरा और मेवाती का क्रॉस है, बराबर है। नहीं बोलते निजाम भाई, आपकी चीजें यूनिक होती है, आपके बकरे यूनिक होते हैं। बहुत अच्छा बकरा आसिम भाई, इसका चेहरा मुरा मतलब मेरे को खुद ही पसंद आता है, मतलब मुंह पे दांत दिखा दो ना एक बार। ये शायद दो दांत कर लिया आसिम भाई, दो दांत कर लिया। प्यार है प्यार, इसका नाम ही प्यार है। ये इसका नाम कालू रखा था मैंने बचपन में ना। अरे तुम तो कितने अच्छे नाम नहीं रखते हो, प्यार है। अभी इसका ये भाई आया है, सॉरी बहन आई है, ये प्यार की बहन मोहब्बत आई, ये कालू की बहन आई है। बिल्कुल वैसे ही आते हैं चेहरे बने हुए आते हैं। ला बेटा एक बकरा ये आसिम भाई, हाइब्रिड में आएगा ये आपके यहाँ पैदा हुआ था? ये मेरे इधर का ही है, दो दांत जानवर है ये। वो आपके ब्रीडर का रिजल्ट है जी, क्वालिटी देखो आप। दांत किया है? दो दांत के लिए। ये भी बेचना है? ये भी देना। दांत एक बार दिखा दो, एक सेकंड। हाइट पैड में आएगा दो दांत, दो दांत। चलिए छोड़ दो आप, है ना। और स्क्रीनशॉट भेजो आप, ठीक है, आपको बताएंगे। और क्या दिखाएंगे? एक ये वाली फीमेल पकड़, व्हाइट वाली फीमेल। और ये मेंढे नहीं दिखाओगे अंदर के? मेंढे दिखाता हूँ, उसमें कुछ छुपा के सब देने वाले नहीं है, कुछ है। एक ये फीमेल आसिम भाई, बिक गई थी, टोकन आया था लेकिन रिटर्न हो गई है। और ये भी पतीरा में है, पूरी व्हाइट पतीरा में। हाँ, एक पैर खाली, एक घूर ना उसकी खाली ब्लैक है, बाकी पूरी मतलब फुल क्वालिटी बच्ची है। जो निशान हिट पे आ गई है, शायद एक महीने की गाभन है, बहुत अच्छी है ये भी। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, आ जाओ आसिम भाई इधर, बल्कि इधर से आगे बढ़ेंगे हम लोग, अंदर ही से दिखा देते हैं ना। निजाम के डेरे की क्वालिटी देखो आप, ये जो ये बच्चे लाके जो इनको यहाँ पर काम करते हैं उनके ऊपर। नहीं नहीं, ये पलाई के मैं दिखाता हूँ आसिम भाई। पलाई के? हाँ, ये तारिक भाई की फीमेल है, इसको इधर कर बेटा। बेचनी है क्या उनको? नहीं नहीं बेचनी नहीं, उनकी इजाजत नहीं है, लेकिन मैंने दिखा दिया हूँ, वो फीमेल है। उसके पीछे जो गिलहरा है ना, उसका बच्चा हुआ है, मेरे इधर ही पैदा हुआ है वो। दिखा बेटा उसको इधर कर, गिलहरे का बच्चा। गिलहरे का बच्चा ये देखो, ये गिलहरे का बच्चा है, ये ढाई महीने का बच्चा। क्या बात कर रहे हो? दरअसल मेंढियों के बच्चे जो होते हैं ना आसिम भाई, बहुत मजबूत होते हैं। और देखो ये भी ढाई महीने का बच्चा, इसके हाथ में नहीं आ रहा है। नहीं बेटा हट जा तू, कुछ मत कर आप। ये देखो माँ बेटा, निजाम भाई सल्यूट टू यू यार। ये रामपुरी से क्रॉस हुई थी, मान गए निजाम भाई तुम। और इसमें मैं एक बच्चा ये पकड़ ले, ये वाला बच्चा है, ये बेचना है। मतलब ये सारे पलाई पे है, सेट है, बाहर के कुछ जानवर नहीं है, ये पलाई पे है। और ये बच्चा मेरे को देना है, मदुराई में आएगा। थोड़ा इसको इधर कर, ये अपन ने वीडियो में डाले थे, ये बिक गया था। मदुराई में आएगा? मदुराई में आएगा ये बच्चा। ये कम रेंज में रहेगा ना? ये कम है, 13,500 रुपए का, ज्यादा नहीं है। और विलायती में भी ये भी पलाई वाले का, ये कम रेंज का है। ये पकड़ बेटा सींग वाला, हाँ ये भी 13,000 रुपए का पूरा। क्या बात है 13,000 में? ये एक्चुअल में मेरे नहीं आसिम भाई, पलाई वालों के हैं। बच्चे तो महंगे हो गए ये, लेकिन उनको जरूरत है, वो हिसाब से उनको देना है। ये बच्चा 13,000 रुपए का है, लगभग 25 किलो बच्चा है। और क्या चाहिए मतलब ना 13,000 में? आज लोग इजीली 16-17,000 रुपया मांग रहे ऐसे बच्चे। अब वो कस्टमर का ऑर्डर है, अपन जैसा कस्टमर बोले उसमें कुछ नहीं है। और बस ये बनूर, बनूर वो पलाई पे हो, तारिक भाई का हो। चलेगा छोड़ दे बेटा उसको, छोड़ एक बार। ये देना है, ये कुछ बड़े मेंढे हैं। अगर ये तीन मेंढे हैं मेरे पास, अगर किसी को इसमें के ये लगते हैं, ये तकरीबन 55 किलो के ऊपर के जानवर है। तीनों में दिखा देता हूँ, हाँ बिल्कुल, लोग स्क्रीनशॉट भेज देंगे ना। बल लगा, ये तीनों जानवर है आसिम भाई। और अगर तीनों कोई लेगा तो 25,000 रुपए के हिसाब से उसको आ जाएंगे। अगर सिंगल डबल लेगा तो थोड़ा रेट ऊपर नीचे हो जाएगा। मान गया उस्ताद, चलेगा। और कुछ है आज दिखाने का? बस ये इतना ही माल था, माल तो है नहीं, थोड़ा ही माल है इंशाल्लाह। फिर आपका एक बार नंबर दो, 9764264257। निजाम भाई का डेरा, एक से एक मेंढे अवेलेबल है, पलाई पे जगह है। हाँ पलाई पे जगह है, जिसको पलाई पे रखवाना होगा कॉन्टेक्ट करें। बड़े मेंढे हैं, छोटे मेंढे हैं, होम ब्रीड के बकरे भी, ठीक है निजाम भाई? चलेगा इंशाल्लाह, फिर अगले हफ्ते कुछ नया माल। शुक्रिया, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए माल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।